नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज 18 में और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रतलाम मंगलवार सुबह एक जच्चे और बच्चे को लेकर सैलाना से रतलाम आ रही जननी एक्सप्रेस अचानक बरबड़ के समीप सुबह पलटी खा गई। हादसे में नवजात की मौत हो गई, वहीं एम्बुलेंस में सवार उसकी माँ और दो अन्य महिलाएं जख्मी हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों के मुताबिक सैलाना थाने के ग्राम अमलिया ढोलखुद्र निवासी एक महिला को मंगलवार तड़के डिलीवरी के लिए सैलाना में भर्ती कराया गया था। सुबह जन्म के बाद बच्चे को कमजोरी की हालत में देखकर वहां से जच्चे और बच्चे को रतलाम के लिए रेफर किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस एम्बुलेंस नवजात माँ उसके दो महिला रिश्तेदार को लेकर रतलाम आ रही थी, तभी सुबह करीब 7:45 बजे बरबड़ के समीप एम्बुलेंस पलटी खा गई, जिसमें नवजात बच्चे की मौत हो गई, वहीं माँ व उसके दो अन्य रिश्तेदार जख्मी हो गए। माँ को MCH में भर्ती कराया गया, वहीं दो अन्य महिलाओं को शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उनका उपचार चल रहा है। औद्योगिक थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो गाड़ी से है, लेकिन जो एम्बुलेंस आगे थी वो एकदम खड़ी करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि इसमें हमारा रिश्तेदार के ही। अच्छा, पलटी खा गई थी, क्या हुआ? पलटी खा गई, यूँ बोल रही, ये गाड़ी में ही थे। अच्छा, हम बाइक से आए। इसमें क्या हुआ? बच्चा भी था, महिला भी थी, क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ? बच्चे का क्या हुआ? डेट हो गया। रतलाम से अनिल जाट की रिपोर्ट।